आपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ऊपर ही सारे प्रोग्राम बनाने क्यों स्टार्ट किए? हरीश जी, आपने जो है वो मेरी युक्ति रख पे हाथ रखी है। उसका जो ऑफिस है वो 5,000 करोड़ का ऑफिस है, हर दूसरे दिन मुझे CNBC पे दिखाई देता है। तो मैंने सोचा यार, एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो तड़प रहा है उसकी तरह बनने के लिए, उसके लिए तो जरिया ही नहीं, मुझे तो वही काम करना चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। 12 POTs जो कर सकते हैं साल में, तो वाई नॉट अस, हम लोग भी ये कर सकते हैं और हम लोग डेफिनेटली करेंगे। बडिंग यूट्यूबर्स के लिए आपके पास कोई आप राय देना चाहे या कोई ऐसी स्ट्रेटजी टू हाउ टू ग्रो फास्ट? इसके बाद आगे आपका विजन क्या है? मेरा विजन ये है 100 बिजनेस साइकिल क्रिएट करना। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ पंजाब के लुधियाना शहर में एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने जो कि अपने शहर में नंबर 1 पोजीशन पर काम करते हैं एज एन इंश्योरेंस एजेंट। और न ही सिर्फ उस इंश्योरेंस एजेंट से मैं मिलाऊंगा बल्कि उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ में है, तो हम उनसे भी बातें करेंगे। दरअसल ये थोड़ा सा उल्टा प्रोग्राम है, यहाँ पर मैं इनसे सवाल नहीं पूछने वाला, इनके मन में कुछ सवाल है। वैसे तो हरीश अरोड़ा जी को आपने कई बार देखा है हमारे चैनल पर, लेकिन इस बार मैं इनसे प्रश्न नहीं पूछने वाला, इनकी फैमिली मुझसे प्रश्न पूछने वाली, और मुझे पता नहीं है कि वो हमसे क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। डेफिनेटली मैं आपके साथ लगभग 1.5 साल से या 1.25 साल से आपके टच में आया, तो जब से मैं आपके टच में आया हूँ तो मेरे को आपके साथ जो भी हम काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे मन में एक बात कई बार आई कि मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपने BITV के नाम से YouTube चैनल स्टार्ट किया, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे और कब आया? मैं एक्चुअली हर वक्त ये सोचता था कि ऐसा तो मुझसे भी सवाल पूछे, मैं ही लोगों से सवाल पूछता हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दरअसल मैंने जब शुरुआत की ये सब फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ काम करने की, तो मैंने यूट्यूब पे शुरुआत नहीं की। मैं दरअसल ये ऑडिटोरियम बुक करता था, ऑडिटोरियम बुक करके और फिर मैं वहां पर जो है इस तरह के इंटरव्यू दिया करता था। तो शुरुआत में जब मैंने ये करना शुरू किया तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो बहुत जो है खर्चा करना पड़ता था इस तरीके के इंटरव्यू लेने में, क्योंकि ऑडिटोरियम या हॉल बुक करते थे या होटल बुक करते थे, इस तरीके से सिलसिला चल रहा था। लेकिन फिर एक वक्त जब YouTube के बारे में पता चला कि हम ये जो है YouTube पे भी कर सकते हैं, तो ये दिमाग में आया कि जो चीज हम ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, जो चीज हम होटल में कर रहे हैं, अगर ये YouTube पे किया जाए, इससे क्या ऑडिटोरियम में बहुत लिमिटेड लोग आते थे, 100 लोगों को बुलाते थे, 10 लोग आते थे, लेकिन YouTube के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ऐसा YouTube को देखकर आइडिया है। और उसमें एक बैक वॉल भी अगर ले ली, क्योंकि पता नहीं है सामने कैसा माहौल है, एक पीछे एक अच्छा माहौल भी बना दिया, एक दीवार भी अच्छी बना दी, तो एक अच्छा वीडियो हम क्रिएट कर सकते थे और जो नॉलेज हमें देना है लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये जब दिमाग में आया तो ऐसा लगा कि यार यही दिस इज द बेस्ट वे जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। सो दैट इज द रीजन हमने यूट्यूब पर ये काम चालू किया। जब आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो इसमें आपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ऊपर ही सारे प्रोग्राम बनाने क्यों स्टार्ट किए? इसके अलावा हटके आपको किसी और फील्ड में या किसी और एरिया में जाकर के प्रोग्राम बनाना और उनको पुशअप करना, तो वो वाला आइडिया ना आकर के आपके दिमाग में ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जो आप प्रमोट कर रहे हो, आई थिंक ये इंडिया में एक पहला यूट्यूब चैनल है जिसने इतना लोगों को प्रमोट कर रहे हो आप या किया है, तो खाली फाइनेंशियल एडवाइजर्स ही क्यों? एक्चुअली हरीश जी, आपने जो है वो मेरी दुखती रथ पे हाथ रखी है, एक्चुअली दुखती रथ पे हाथ रखी है। दरअसल मैं खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ,
और जब मैंने फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करना शुरू किया, पहले तो मैं जॉब करता था, फिर जब मैंने फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि जो इंडिया का जो टॉप सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर है, मेरे को भी उस लेवल पे आके काम करना, छोटे लेवल पे काम नहीं करना, बहुत बड़े लेवल पे आके काम करना। लेकिन वो जो बड़े जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर है इंडिया का, जब मैंने उसे देखा तो उसका जो ऑफिस है वो 5,000 करोड़ का ऑफिस है। वेरी गुड। तो मैं देख के डर गया, मैंने बोला यार ये पोजीशन पे आते आते तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन ढूंढना चालू किया। मैंने बोला क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है। तो कम से कम जो है एक महीना तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन ही चलता रहा, क्या सोल्यूशन है इसका, क्या सोल्यूशन है क्या। तो एक दिन मेरे को समझ में आया, एक दिन मेरे को समझ में आया कि वो जो 5,000 करोड़ के ऑफिस में बैठता है, जो इंडिया का नंबर वन फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो जो है वो इतना बड़ा बनने में उसको मीडिया ने सपोर्ट किया। ऐसा मेरे दिमाग में मुझे आंसर दिया, उसको मीडिया ने सपोर्ट किया, क्योंकि वो हर दूसरे दिन मुझे CNBC में दिखाई देता है, हर दूसरे दिन CNBC में दिखाई। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार मेरे को भी CNBC में आना, मेरे को भी CNBC में आना, और उसी तरह आना जैसे वो आता है, ऐसा मैंने दिमाग लगाया। और मैंने फिर उसकी तरह आने के लिए ट्राई करना शुरू किया, CNBC में आने के लिए ट्राई करना शुरू किया। तो जिस तरीके से वो CNBC में आता था, उस तरीके से आने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी मिल रही, ट्राई कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। मैंने और दूसरे चैनल पर ट्राई करना चालू किया। तो मैंने बहुत टाइम लगा दिया, मतलब उसको ढूंढने में, उस चीज तक पहुंचने में मैंने बहुत लंबा समय लगाया। मैंने देखा मेरे तो सालों वेस्ट हो गए यार, ये क्या है, तो मेरे सालों वेस्ट हो गए वहां पर। तो मैंने सोचा यार एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो तड़प रहा है उसकी तरह बनने के लिए, उसके लिए तो जगह ही नहीं है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, और मैंने सोचा यार एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास में एक सोर्स नहीं है, एक माध्यम नहीं है, उसको वो बनना है, लेकिन उसके लिए जो ब्रिज है वो मीडिया जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मुझे तो वही काम करना चाहिए जो अवेलेबल नहीं है, मुझे वो अवेलेबल करा के देना चाहिए। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। तो मैंने सोचा अभी CNBC तो मैं बना नहीं सकता, तो फिर मैंने ऑडिटोरियम में जैसा मैंने बताया, मैंने उस तरीके से उनको विजिबिलिटी देने के लिए काम कर, तो मैंने अपना एम ही चेंज कर दिया। मैंने बोला अब मेरे को जो है मुझे यही बनना, मुझे जो है मुझे जो जो चीज मुझे नहीं मिली वो चीज अब मैं सबको दिया। वो एक पता नहीं क्यों पागलपन आया। एंड आई स्टार्टेड डूइंग, पहले मैंने ऑडिटोरियम से करना शुरू किया, और फिर उसके बाद मैंने जो है वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगने लगा। फिर मुझे ये रास्ता दिखा, तो मैंने बोला ये तो दिस इज द बेस्ट वे, इसके थ्रू तो मैं बहुत लंबा जा सकता हूँ, अपने एम को पहुंच सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड doing through YouTube for financial advice। तो आपने अपना experience जो कि अच्छा नहीं था, उस experience को ये ध्यान में रख करके कि ये जो इंडिया में लाखों लाखों financial advisor हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये opportunity avail नहीं कर सकते, तो आपने ये platform उन लोगों के लिए create किया और उन लोगों का भला करना start किया। तो ये तो रंजीत जी आई थिंक के ये बहुत ही अच्छा और एक पुण्य का कार्य है, लोगों को रोजगार में बढ़ावा देना, तो ये तो बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हो। और ये सब चीजों के साथ साथ मेरा एक सवाल आपसे और है, क्या BITV के माध्यम से जो आप एक अच्छा काम कर रहे हो, इसके बाद आगे आपका विजन क्या है, इसके आगे और क्या आप करोगे या करना चाहते? देखिए सर, विजन तो डे वन से ये लेके निकला था कि जो जो चीज मैं ढूंढ रहा था, मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था CNBC चैनल, वो CNBC चैनल में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो विजन तो उसी दिन बना लिया था कि दूसरा ऐसा चैनल बनाना है, CNBC एक ऐसा चैनल बनाना है जिस चैनल की मदद से एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो बन जाए जो मैं बनना चाहता। तो मैं तो बिजनेस टाइकून बनना चाहता। मैं तो डे वन, मेरा तो वही प्लान था कि मुझे तो वो नंबर वन फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, तो उसके लिए मैंने यही रास्ता देखा। मेरे को तो ये लगता है कि आप इंडिया में कई सौ बिजनेस टाइकून बना दोगे। आई थिंक जिस तरह से आप काम कर रहे हो, तो इस तरह से मेरे को लगता है कि इंडिया में काफी सारे ऐसे लोग हो जाएंगे जो अपने आप को उस मुकाम पे देखें। तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ, मेरा विजन ये है 100 बिजनेस टाइकून क्रिएट करना। सो आई हैव टेकन दिस टास्क।
100 बिजनेस टाइकून क्रिएट कर ले, उस वो विजन को लेकर मैं ये चैनल चला। तो अगर मैंने 100 बिजनेस टाइकून क्रिएट कर दिए, ऐसी मेरी सोच है और मैं अपनी सोच पे काम कर रहा हूँ, तो मैं भी बिजनेस टाइकून बनूंगा। बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। और इसके अलावा मैं आज अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप तो मेरे बाकी मेंबर्स के साथ भी चर्चा करो। हिमानी, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप एक एंकर हैं और आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग होगी ये मुझे नहीं पता था। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आज आप अपने व्यूज शेयर कर पा रहे हैं। एक एंकर का ऐसा ही रोल होता है कि बहुत लिमिटेड रोल होता है और दूसरों को हाईलाइट करना होता है, तो आज आपको अपनी स्टोरी शेयर करके कैसा फील हो रहा है? देखिए, मैं ये तो वो बात हो गई कि मैं मेरी जो चाहत है, मैं तो ये हमेशा सोचता हूँ कि लोगों को पता चले कि क्या सोच के साथ में मैंने इस चैनल को चालू किया। सो दैट क्या होता है कि अगर मेरी सोच आपको पता है तो आप जो है मेरी सोच के साथ में कुछ कदम चल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको मेरी सोच ही नहीं पता है तो फिर आप मेरे साथ में क्या चलोगे। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस सोच के साथ में, किस विजन के साथ में इस चैनल को हमने चालू किया है। तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो हमेशा सोचता हूँ लेकिन ये मौका नहीं मिलता है इस बात को बताने का, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। रंजीत जी, आप जैसे मेरा बेटा है, पिछले कुछ सालों से मेरे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, तो काफी इसको सक्सेस भी मिल रही है, और मोर ओवर मेरे बिजनेस में जब से ये आया है तो उसमें मुझे बिजनेस में काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। तो क्या चक्षु से आप कोई सवाल करना चाहोगे कि उसका आगे विजन क्या है या 5 साल से उसको क्या महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो चक्षु जी, आपको बहुत बहुत बधाई। 5 साल हो गए आप कंसिस्टेंटली बिजनेस में काम कर रहे हैं, अपने फादर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बिजनेस में आप अपना योगदान दे रहे हैं, उस बिजनेस को और बड़ा बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली नो डाउट आपको एक अच्छा सपोर्ट भी मिला है। तो अभी आपका विजन क्या है, आप क्या सोच लेकर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है? एक तो सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 5 ईयर में, वो ये रहा है कि जो जिस टाइप का ये बिजनेस है, मतलब आई डोंट थिंक कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट और है, जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब इस बिजनेस की कोई ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, वो हमारे अपने हाथ में है कि हम इस बिजनेस को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस बिजनेस का ये है कि देयर इज नो एंड टू दिस बिजनेस। और जहां तक मेरा टारगेट या मेरा फोकस का सवाल है, वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज नो लिमिट टू दिस बिजनेस, और मैं चाहता हूं कि हम लोग जो कि टॉप बिजनेस प्रोड्यूसर्स हैं इस इंडस्ट्री के, 12 TOTs जो कर सकते हैं साल में, तो व्हाई नॉट अस, हम लोग भी ये कर सकते हैं और हम लोग डेफिनेटली करेंगे, जल्दी करेंगे, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मतलब पहले जैसे बिफोर मेरे पहले आने से तो वो पापा COT MDRT वगैरह कर रहे थे, तो फिर TOTs होने लग गई, तो हम लोग ईयर बाय ईयर इसको इंक्रीज ही कर रहे हैं। कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे? मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपको यूट्यूब के ऊपर काफी देर से आपको, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को कुछ मतलब कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या इसकी हेल्प लेके हम कैसे आगे कुछ कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, मैं एक्चुअली है ना, मैं हमेशा आप बताता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज बात बताई है कि अपॉर्चुनिटी जो है यूट्यूब ये प्लेटफॉर्म, इसके थ्रू बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। हम लोग जनरली एक इंश्योरेंस एडवाइजर या एक छोटा बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस इज लाइक के मैं खेती कर रहा हूँ, बिजनेस क्या है कि मैं खेती कर रहा हूँ। एक छोटा इंश्योरेंस एजेंट क्या है, वो जाता है, एक बीज, एक गेहूं का दाना डालता है और उसे उगाता है,
एक गेहूं का एक एक गेहूं का दाना डाल के उससे उगाता है। लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो यहाँ से फ्लाइट पकड़ के चांद पे जाता है और चांद पे जाके वो पूरी दुनिया में ऐसे गेहूं के दाने बिखेर देता है, पूरे दुनिया में बिखेर देता है और वो सारे दाने उसके बढ़ते हैं। यानी कि वो चांद पे जाने का मतलब ये है, सैटेलाइट के थ्रू टीवी चैनल पे आता है, वो अपनी एड को लेके आता है, पूरी दुनिया में अपनी एड को दिखाता है और पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्ट बिकते हैं। लेकिन एक इंश्योरेंस एजेंट है या एक छोटा बिजनेसमैन, वो एक एक घर में जा एक एक गेहूं का दाना उगाता है। तो क्यों नहीं वो भी वैसे ही करे। तो अभी सैटेलाइट पहले तो अवेलेबल नहीं था कोई चैनल, तो आज की तारीख में वो जो चैनल है वो यूट्यूब चैनल, अब वो भी यूट्यूब के थ्रू चांद पे जा सकता है और अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के दिमाग में डाल सकता है, पूरी दुनिया के दिमाग में डाल सकता है। दिस इज दिस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से एक छोटा इंश्योरेंस एडवाइजर भी वो बन सकता है जो सबसे दुनिया का नंबर वन बिजनेसमैन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, कुछ बोलना शुरू कीजिए, वो सारी चीजें बोलिए, वो सारी चीजें बोलिए, जिसको बोलने के बाद में कस्टमर जो है वो बाय कर लेता है। तो टेस्टिमोनियल वीडियो बनाइए आप, वो अपने कस्टमर्स को भेजिए। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी भेजिए, आप कुछ ना कुछ वीडियोस बना बना के चांद पे जाके लोगों के दिमाग में, लाखों लोगों के दिमाग में डालो, अपना ब्रांड क्रिएट करो और डेफिनेटली जो है आप भी वही चीज कर सकते हो जो कि एक बिजनेस टाइटन कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ यू। और इसका इस्तेमाल अगर आपने नहीं किया तो आप उतने पीछे होते जा रहे हैं। आपको इसका 100% इसका इस्तेमाल कर और आप अपनी स्पीड को 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा। सो मैडम, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, आपके हस्बैंड हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, वो हमारे चैनल के स्टार है, स्टार जैसे वो लुधियाना के स्टार है वैसे वो हमारे चैनल के स्टार, सबसे ज्यादा वीडियोस इनके आते हैं, आप इनके वीडियोस देखती हैं और आपको कैसा लगता है? वीडियोस मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो ये थोड़े से लोगों में वीडियोस बना के दिखाते थे, अब ये BIT चैनल पे आया तो फिर काफी अच्छे वीडियोस बनाते हैं और मैं सारे वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली आई हैव सीन कि आपके जो यूट्यूब चैनल की ग्रोथ है वो बहुत ही एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, तो धीरे धीरे करके अब इतने सारे व्यूज आते हैं और चैनल बहुत हिट हो गया है, सब्सक्राइबर्स भी काफी हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, बडिंग यूट्यूबर्स के लिए आपके पास कोई आप राय देना चाहे या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी टू हाउ टू ग्रो फास्ट? हो देखिए, वैसे तो बहुत सारे टेक्निकल चीज में नहीं जाता, उसमें जो भी है आपको थंबनेल पे काम करना है और वो सब टेक्निकल चीजें हैं, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप आइडेंटिफाई करो ग्रुप्स, जो बड़े बड़े ग्रुप्स। मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, मान लो रोटरी क्लब एक बहुत बड़ा ग्रुप है, नेशनल लेवल का ग्रुप है, तो आप जो है ना ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करो। अगर आप ऐसे ग्रुप्स में जाकर उनके वीडियोस बनाए, ऐसे वीडियो जो उनको बेनिफिट दे, आपको बेनिफिट दे वो तो दे गए बट उनको बेनिफिट दे, उनको रोटरी में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या सोच रहे, या BNI पकड़ो, BNI का तो BNI में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, या रोटरी एक ग्रुप है। सो ये बड़े बड़े ग्रुप है, ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, या बिजनेस पीपल वो अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आप उनकी ब्रांडिंग करने में उनकी मदद करो, ऐसे वीडियोस बनाओ जिससे उनकी ब्रांडिंग हो, तो ऑटोमेटिकली वो अपने वीडियोस को प्रमोट करेंगे, डेफिनेटली आपका चैनल जो है तो आप ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करो और उनकी ब्रांडिंग करो और आपकी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली, जिस तरीके से मैं LIC एजेंट्स की ब्रांडिंग कर रहा हूँ, सो ऑटोमेटिकली जो है वो वीडियोस को प्रमोट करते हैं और इस तरीके से चैनल बढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी करें। बहुत अच्छा आपको मैं सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मुंबई से यहाँ लुधियाना में आके आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और बहुत सारे लोगों के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा ऑल इंडिया लेवल पे, उन लोगों के साथ जो आपके पास नए नए आइडियाज थे वो आपने मेरे साथ शेयर किए, डेफिनेटली उन आइडियाज का मैं भी बेनिफिट लूंगा। और मोर ओवर जो आप हम लोगों को प्रमोट करते हैं उसके लिए मैं
वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एज वेल एज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आपने मेरी फैमिली के साथ बैठ के मेरी फैमिली के साथ मेरी प्रमोशन की है, या जो कुछ सवाल पिछले 1.5-2 साल से मेरे माइंड में थे कि मैं रंजीत जी से ये क्वेश्चन पूछूं, और आपने भी इस बात को एक्नोलेज किया कि आज तक मेरा कभी किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया, तो ये भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछ सकूं। तो ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा और आई थिंक इसके लिए मैं शुक्रिया अगर बोलूं तो ये शब्द काम।